प्राइसिंग की तरफ क्या डिमांड रहने वाली है इस गाड़ी की। सो लाडी सर, क्या डिमांड है इस गाड़ी की? अनिकेश्वर, इस गाड़ी की डिमांड में जो कस्टमर यहाँ आएगा इस गाड़ी को देखने, उसी के बाद बताऊंगा। भाई ये तो जुआ हो गया। ये जुआ नहीं है मेरे भाई, ये जो बंदा गाड़ी देखेगा ना, जो कदरदान होगा ना, ये वही गाड़ी। मार्केट काफी एक्सेसरीज इस गाड़ी में लगी हुई है, जैसे कि अलॉयज देख सकते हो आप इसमें, 16 इंचेस अलॉय टायर अलग लगे हुए हैं, सीट कवर बकेट वाले लगे हैं, 90 मैटिंग लगी हुई है, बास ट्यूब JBL की, एम्पलीफायर JBL का लगा हुआ है, कंपोनेंट स्पीकर्स जो है इसमें आफ्टर मार्केट लगे हैं, और टच पैनल जो है इसमें वो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि कारगिल लेह लद्दाख से जो कस्टमर्स आते हैं, क्या उनको जम्मू नंबर गाड़ी देते हैं? गाड़ी देते हैं, लेकिन उनके लोकल रेजिडेंट प्रूफ पे यहाँ पर, मतलब अगर वो वहाँ का प्रूफ लेके आएंगे तो उनके नाम बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। पॉलिसी गाड़ी के नहीं, डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास जितनी भी गाड़ी है, सब गाड़ी के डॉक्यूमेंट सब क्लियर मिलेंगे। ठीक है, इसका जो आस्किंग प्राइस है वो हमने रखा है सिर्फ 1,25,000 रुपया ऑन टेबल, वो भी नेगोशिएशन जो होगी। एक चीज़ उनके लिए दरख्वास्त करूंगा मौजूदा गवर्नमेंट से कि सर हमारे लिए कुछ अच्छा करें। हमारा मोस्टली जो कस्टमर है, खाली जम्मू का कस्टमर तो है ही नहीं है, लद्दाख से, लेह से, कारगिल से कस्टमर स्पेशल आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लेने के लिए। न्यू कंडीशन में आपको ये गाड़ी जो है वो GB कार्स में मिल जाएगी। और अगर आप भी कोई इस तरह की डील्स जो है वो क्रैक करना चाहते हैं, तो मिस्टर लाडी जी का नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आप सभी का ASR जम्मू व्लॉग्स की एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज जो हम कार बाज़ार कवर करने वाले हैं, ये काफ़ी एक स्पेशल कार बाज़ार जो है वो रहने वाला है, बिकॉज आप लोग जो है ना इस कार बाज़ार की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। और इससे पहले जो हमने इस कार बाज़ार को कवर करा था, तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गए थे हमारे फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्या क्या स्टॉक में क्या क्या आपको इस बार गाड़ियाँ जो होंगी वो देखने को मिलेंगी, तो वो सारी जानकारी जो होगी वो हम इस कार बाज़ार के ऑनर से ही लेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आपको इस कार बाज़ार के ऑनर से ही मिलाता हूँ, तो चलिए उनके पास चलते हैं। सर गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग अंकुश जी, क्या हाल है? नमस्कार जी सबको। तो और पहले तो ये बता दो, पिछली वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 लाख के करीब व्यूज़ गए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, बाकी को भी और हमें भी। बाकी एक थोड़ी कंप्लेन है सब्सक्राइबर्स की, भाई GB कार्स की वीडियो लेट क्यों आती है? भाई स्टॉक आने पे है, जैसे स्टॉक आता है यहाँ निकल जाता है, तो वीडियो डालने का टाइम नहीं मिल पाता। कोशिश करेंगे कि इस बार स्टॉक जैसे ही आए वैसे ही हम नया वीडियो अपडेट। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास जो स्टॉक होता है ना बिल्कुल अप टू डेट होता है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ये ब्रीजा आया इनके पास, तो बिल्कुल न्यू ब्रीजा ये है, और ये इनके पास स्टॉक आते ही ना निकल जाता है। तो उसी के कारण क्या होता है, ज़्यादा स्टॉक बल्क में ये इकट्ठा नहीं कर पाते, तो उसी के कारण क्या होता है कि वीडियो भी हम आपको प्रॉपर जल्दी दे नहीं पाते। तो बट अभी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको हफ्ते के अंदर एक वीडियो इनसे दें। क्यों सर? हफ्ते के अंदर तो नहीं पॉसिबल कह सकते, लेकिन जैसे ही नया स्टॉक आएगा ज़रूर एक वीडियो अपडेट करेंगे। कोशिश करेंगे भाई अपने से आप, क्योंकि आपकी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि यार हमें वीडियोस चाहिए हफ्ते के अंदर, तो वो भी चीज़ चलो देख लेंगे। तो सर आज भी हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? आज की वीडियो की शुरुआत अनिकेश्वर आप किसी भी गाड़ी से कर लें फिलहाल, वरना है वरना से कर लीजिए। गाड़ियाँ बहुत ही उम्दा यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, वरना है i20 है यहाँ पे, आपको होंडा सिटी, इग्निस, तो मतलब हर एक सेगमेंट की गाड़ियाँ और अप टू डेट गाड़ियाँ जो होंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी बिल्कुल नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन में। और अब बढ़ते हैं इस गाड़ी की तरफ जो की है Hyundai की वरना। सर क्या डिटेल्स है? अनिकेश्वर 2014 मॉडल है ये वरना, ठीक है, पेट्रोल वर्जन में है, ऑल टायर्स न्यू हैं, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर हैं, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है, ठीक है, और अंदर से इंटीरियर आप देख लीजिए गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी। गाड़ी जो है वो एक्सटीरियर से बहुत ही उम्दा कंडीशन में आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा आप टायर्स पे फोकस डालें, टायर्स आपको चारों के चारों ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल जाएंगे। एंड एक बार मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो, स्टेयरिंग कवर देख सकते हो, स्टेयरिंग व्हील, एंड यहाँ पे सीट्स में देख सकते हो सीट कवर्स। इंटीरियर से गाड़ी बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिल जाएगी। विंडो पैनल आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, अल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल्स और मिरर से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको इस वरना में जो होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर रियर की सीट्स की बात करें, तो यहाँ से आप रियर की सीट्स की कंडीशन जो है वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स जो हैं वो सर ने आपको दे दी हैं। एंड अब सर से जानते हैं कि सर इस गाड़ी की क्या डिमांड है उनकी तरफ से। तो सर क्या डिमांड है आपकी इस गाड़ी के लिए?
इसका नहीं केशवर, आस्किंग जो प्राइस है वो 495 के करीब है, बाकी नेगोशिएशन आपको पता हर गाड़ी पे हो जाएगी। ठीक है, कौन सा मॉडल बताइए? 2014 मॉडल, पेट्रोल इंजन है इसमें, बाकी गाड़ी एक्सटीरियर से बहुत ही उम्दा कंडीशन में है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की दूसरी गाड़ी की तरफ जो कि है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। सर क्या डिटेल्स है इसकी? अनिकेश्वर ये 2015 मॉडल गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर VXI, ठीक है, न्यू वर्जन में जो डिजायर है जिसके मिरर एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है, बाकी गाड़ी जेन्युइन 49,000 चली है, बेहतरीन गाड़ी है, कंडीशन पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल इंजन VXI वेरिएंट, VXI वेरिएंट में डॉक्यूमेंट सारे अपडेट क्लियर है, और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है जी 550 के करीब, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाएगी। तो ऑन टेबल इसमें नेगोशिएशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा आप इंटीरियर में से भी इस गाड़ी को दिखाएं, और यहाँ से आप इस गाड़ी का इंटीरियर के लुक्स देख सकते हो। हर एक गाड़ी जो होगी ना वो आपको एक्सटीरियर से तो अच्छी मिलेगी मिलेगी, बट इंटीरियर से भी गाड़ी की कंडीशन जो होगी वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट यहाँ आर्मरेस्ट जो है वो इंस्टॉल हुई मिल जाएगी, और डोर वहाँ पे विंडो की साइड पे वहाँ पे आपको उसका प्लेट जो होंगी वो इंस्टॉल हुई मिलने वाली हैं आपको स्विफ्ट डिज़ायर में। बाकी डिमांड जो है वो आपको सर ने बता दिया, एंड VXI वेरिएंट जो है ये रहने वाली है। सर रियर सीट्स की बात करें तो ये भी लुक्स आप यहाँ से, और रियर लुक्स की बात करें तो ये कुछ इस गाड़ी के रियर लुक्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की एक और धमाकेदार गाड़ी की तरफ जो कि है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा। डिटेल्स क्या है वो लाडी सर से जानते हैं। सर क्या इन्फॉर्मेशन? अनिकेश्वर ये 2020 मॉडल है और 21 में रजिस्टर्ड है, ठीक है, एंड स्टार्टिंग में गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है, टोटल 11,000 ये जेन्युइन चली है गाड़ी, ठीक है, फुल टॉप मॉडल पेट्रोल वर्जन में 1.5 इंजन में आती है जी, और ये जम्मू रजिस्टर्ड है, जम्मू रजिस्टर्ड है, जम्मू रजिस्टर्ड ये गाड़ी रहने वाली है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्टेंसिंग बटन आपको दे रखा है। आप चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर के लुक्स आप देख लीजिए, इंटीरियर से गाड़ी काफ़ी उम्दा कंडीशन में यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके प्लेट्स आप देख सकते हो, और इंटीरियर से आप सीट कवर्स का लेआउट, एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, आप ये चीज़ को नोटिस करिए, ये जो पन्नी है ये कंपनी साइड से आते हैं, वो भी नहीं उतरी हुई हैं अभी, और मतलब आप सोच सकते हो किस कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 2 एयरबैग्स, ABS और EBD की फैसिलिटी तो मिली ही जाएगी आपको इसमें, एंड एक बार मैं आपको इस गाड़ी की रियर सीट्स भी चेकआउट करवा देता हूँ। सो यहाँ से आप इस गाड़ी की रियर सीट्स भी चेकआउट कर लीजिए, रियर से भी गाड़ी काफ़ी उम्दा कंडीशन में आपको यहाँ मिलने वाली है। एंड अगर रियर प्रोफाइल की एक बार बात करें, यहाँ पे वाइपर वॉशर और डिफॉगर की फैसिलिटी मिल जाएगी, इंडिकेटर स्पॉइलर विद इंडिकेटर हाई स्टॉप लैंप, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड रियर की और मैं आपको डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा। सर अब चलते हैं इस गाड़ी की डिमांड की तरफ। इसकी जो आस्किंग प्राइस है अनिकेश्वर वो 10 लाख के करीब है, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन हो जाएगी। तो कितनी चली है? सिर्फ 11,000 चली है, सिर्फ 11,000 चली हुई है, बाकी ये पेट्रोल इंजन है 1500 और अंडर वारंटी ये गाड़ी जो है वो रहने वाली है। तो ये भी चीज़ देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको ये गाड़ी जो है वो GB कार्स में मिल जाएगी। और अगर आप भी कोई इस तरह की डील्स जो है वो क्रैक करना चाहते हैं तो मिस्टर लाडी जी का नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी होगी डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट कर देंगे। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की चौथी गाड़ी की तरफ जो कि है होंडा सिटी। तो क्या डिटेल्स हैं वो लाडी सर से लेते हैं। सर क्या इन्फॉर्मेशन? अनिकेश्वर ये 2015 मॉडल होंडा सिटी है, सेकंड टॉप मॉडल है, ठीक है, बाकी इसमें अलॉय जो है कंपनी फिटेड आते हैं, सनरूफ इसमें नहीं आता है, बाकी ऑल फीचर्स जो हैं इसमें जरूरी जो फीचर्स, ये सेकंड टॉप है, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसमें क्रोम हैंडल्स आते हैं, अलॉयज आते हैं, स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स आते हैं, एयरबैग, ABS, CVT वगैरह सब कुछ आता है। पेट्रोल इंजन है ये? पेट्रोल इंजन है, 1 पेट्रोल इंजन है। बाकी एक बार मैं डिमांड बताने से पहले मैं आपको पहले इंटीरियर दिखा देता हूं गाड़ी का। ये कुछ आप गाड़ी को इंटीरियर से देख सकते हो, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो मॉडल के साथ ही बेहतरीन कंडीशन में आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड रियर की सीट्स भी मैं आपको एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। सो यहाँ से आप रियर की सीट्स और रियर में जो AC वेंट्स हैं बाकी उसकी भी फैसिलिटी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो होंडा सिटी में। एंड गाड़ी जो है एज इट इज़ ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको जो होगी वो आपको GB कार्स में देखने को मिल जाएगी। तो अगर रियर के लुक्स की बात करें तो यहाँ से आप इस गाड़ी के रियर लुक्स जो है वो अच्छी तरह चेकआउट कर सकते हो। होंडा की बैजिंग है सिटी और V वेरिएंट ये रहने वाला है, IVTEC जाने पेट्रोल इंजन की बैजिंग जो होगी वो आपको इस होंडा सिटी में देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के प्राइस की तरफ। सो क्या डिमांड है सर इसकी? अनिकेश्वर इसकी डिमांड जो है 650 के करीब है, बाकी ऑन टेबल जो है नेगोशिएशन इस पे भी हो जाएगी, ऑन टेबल इसमें भी नेगोशिएशन जो होगी वो आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो की पांचवी गाड़ी की तरफ जो कि है शेवरोले की स्पार्क। सर क्या डिटेल्स हैं इसकी?
अनिकेश्वर, ये 2010 मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल में है, पावर स्टीयरिंग, एसी हीटर, फ्रंट टू पावर विंडोज वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, 2010 मॉडल, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, खाली इसी गाड़ी के नहीं, डॉक्यूमेंट जो भी हमारे पास जितनी भी गाड़ी है सब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट क्लियर मिलेंगे। ठीक है, इसका जो आस्किंग प्राइस है वो हमने रखा है सिर्फ 1,25,000 रुपया ऑन टेबल, वो भी नेगोशिएशन जो होगी इसमें हो जाएगी। तो आस्किंग प्राइस शायद आपने सुनी लिया होगा, बाकी गाड़ी जो है एक्सटीरियर से काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मिल जाएगी। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा, एक बार प्लीज़ आप गाड़ी का इंटीरियर जो है उसे भी चेकआउट करवा दीजिए। इंटीरियर से भी गाड़ी जो है वो अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ फ्रंट की सीट्स और फ्रंट का डैशबोर्ड जो है वो आप देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है। सो बढ़ते हैं इस वीडियो की सातवीं गाड़ी की तरफ, जो कि मारुति सुजुकी की बलेनो, जो कि फायर रेड कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या डिटेल्स है सर इसकी? अनिकेश्वर, 2016 मॉडल, फुल टॉप मॉडल, अल्फा मॉडल में है ये। ठीक है, बलेनो रेड कलर में, बाकी पुश बटन स्टार्ट वगैरह अलॉय, एबीएस, एबीडी, और इसमें टिंटेड ग्लास जो है कंपनी फिटेड आते हैं। डोर हैंडल जो है क्रोमिंग में है। गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है, 39,000 सिर्फ चली है, डॉक्यूमेंट सारे अपडेट क्लियर मिलेंगे। ओके, इसका जो आस्किंग प्राइस हमने रखा है वो 6,10,000 के करीब है, नेगोशिएशन ऑन टेबल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा जम्मू ब्लॉक के रेफरेंस आता है स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे मेरे भाई, ये भी चीज़ आप दे सकते हो। बाकी एक बार मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार गाड़ी जो है वो आप इंटीरियर से भी चेकआउट करवा लीजिए। सो यहाँ से आप इस गाड़ी के जो है इंटीरियर के लुक्स देख सकते हो। इंटीरियर से गाड़ी एज इट इज़ ब्रांड न्यू कंडीशन में जो होगी वो आपको जीपी कार्स में देखने को मिल जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लाडी भाई का नंबर जो होगा नीचे स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा है, आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो किसी भी गाड़ी के रिगार्डिंग। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है मारुति सुजुकी की अल्टो K10। क्या डिटेल्स हैं लाडी भाई? अनिकेश्वर, ये 2018 मॉडल है, VXI K10, ओनली 29,000 किलोमीटर जो है रनिंग है इस गाड़ी की, डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है, गाड़ी बेहतरीन कंडीशन में है, आस्किंग प्राइस 4,20,000 है, ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाएगी। तो बाकी सर एक चीज़ बताइए फाइनेंस का, मैं फिर से बता दूं क्योंकि जो सब्सक्राइबर हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी एक जानकारी हो जाती है फाइनेंस की फैसिलिटी। हाँ, मुझे काफ़ी सारे फोन पुंछे रजौरी साइड से भी आते हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूँ, 100 किलोमीटर के अंदर मेरे ऑफिस से लेके 100 किलोमीटर के दायरे में जो आता है उनका फाइनेंस एज पर डॉक्यूमेंट सिंगल डे में मैं करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे बिल्कुल, उनका सिविल स्कोर वगैरह जो बैंकिंग की तरफ से सही होगा वो सेम डे इनका फाइनेंस मैं करवा दूंगा। अदरवाइज जो बाहर का है वो थोड़ा फाइनेंस होना दिक्कत रहती है, जैसे कश्मीर साइड का हो या जैसे पुंछ रजौरी साइड का हो, थोड़ा दिक्कत रहती है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब हो कुछ तो उसमें भी कोई पॉसिबिलिटीज है फाइनेंस की। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो, जिनको फाइनेंस के लिए कर रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट हो गई होगी आपकी। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है Hyundai की i20। सर क्या डिटेल्स हैं इसकी? अनिकेश्वर, 2017 मॉडल है, दिसंबर महीने की, आस्था ऑप्शनल गाड़ी है, ठीक है, जिसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि आस्था है, आस्था नहीं है, ये आस्था ऑप्शनल है, ठीक है, जिसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। गाड़ी फुल टॉप मॉडल है, इसका जो आस्किंग प्राइस है हमें 690 के करीब रखा है, पेट्रोल वेरिएंट में है, ऑन टेबल इसमें नेगोशिएशन जो हो जाएगी। बाकी गाड़ी जो है एक्सटीरियर से काफी बढ़िया कंडीशन में है, जहाँ पे हेडलैम्प्स का यूनिट आप देख सकते हो प्रोजेक्टर के साथ है, और DRL आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कॉर्निंग लैम्प्स की फैसिलिटी भी आपको यहाँ एक बार देखने को मिल जाएगी। एंड एक बार मैं आपको इस गाड़ी का ना इंटीरियर भी चेकआउट करवा देता हूँ। इंटीरियर से भी गाड़ी जो है वो अच्छी कंडीशन में है, बेहतरीन कंडीशन आप बोल सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो इस गाड़ी की कंडीशन, एंड बढ़िया कंडीशन है। बाकी प्राइस तो आपको लाडी भाई ने बता दिया, उसमें जो भी नेगोशिएशन होगी वो आपको बता देंगे इसमें। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो की अगली गाड़ी की तरफ, जो कि थोड़ी बहुत आपको जो होगी मॉडिफाइड देखने को मिल जाएगी इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से। जानकारी क्या है वो गाड़ी से चले अनिकेश्वर, ये इग्निस 2018 मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल में है, ठीक है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट सारे अपडेट क्लियर है, और ये आफ्टर मार्केट काफी एसेसरीज इस गाड़ी में लगी हुई है, ठीक है, जैसे कि अलॉयज देख सकते हो आप इसमें, 16 इंचीज अलॉय टायर अलग लगे हुए हैं, सीट कवर बकेट वाले लगे हैं, 90 मैटिंग लगी हुई है, बास ट्यूब JBL की, एम्पलीफायर JBL का लगा हुआ है, कंपोनेंट स्पीकर जो है इसमें आफ्टर मार्केट लगे हैं, और टच पैनल जो है इसमें वो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो हर एक चीज जो होगी वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल हुई मिल जाएगी इस गाड़ी में। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर ही दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आप यहाँ से विंडो पैनल देख लीजिए, अल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल है, सीट कवर्स का लुक देख लीजिए, बकेट फिट में सीट कवर्स रहेंगे आपको, और यहाँ पे 10 इंचेस का जो होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक बार मैं आपको इस गाड़ी का बूट ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि बूट में जो इन्होंने
JBL की बेस ट्यूब इंस्टॉल करी हुई है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप JBL की बेस ट्यूब देखते हो 1200 वाट की। तो ये सब कुछ चीज़ें जो होगी वो आपको इस गाड़ी के साथ ही देखने को मिल जाएंगी। बाकी इन अलॉयस के साथ ना इस गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा इनहांस हो गया। सर इसकी डिमांड क्या है फिर से बता दीजिए एक बार। अनिकेश्वर इसका एक्सपेक्ट आस्किंग प्राइस जो हमने रखा है वो 580 के करीब है जो कि ऑन टेबल नेगोशिएशन हो जाएगी। सो ऑन टेबल इस इग्निस में जो होगी वो आपको नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप लाठी भाई को जरूर कॉल करें इस गाड़ी की क्वेरी के लिए। इसलिए अगर जीबी कार्स में कोई सी भी गाड़ी की आपकी क्वेरी है तो आप हर एक गाड़ी के लिए उनको कॉल कर सकते हो। एंड अगर कोई गाड़ी आपको परचेज करनी है तब भी आप उनसे जानकारी ले सकते हो। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस वीडियो की लास्ट गाड़ी की तरफ जो कि रहने वाली है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट जो कि न्यू शेप में है। इसकी डिटेल्स पे जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं लाडी सर से, तो पहले वो पूछ लेते हैं उसके बाद इस गाड़ी की डिटेल की तरफ जाते हैं। सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या डिटेल रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि बड़े सारे सब्सक्राइबर ये चीज़ पूछते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आजकल दूर है दोनों पार्टीज को RTO में पेश होना पड़ता है जो कि प्रेजेंट होना पड़ता है। ओके और रिसेंटली RTO शायद चेंज भी हुए हैं तो अब जो नई डायरेक्शन आएंगी उसी के हिसाब से ट्रांसफर होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह कि दोनों पार्टीज को RTO में प्रेजेंट होना पड़ेगा उसके बाद ही गाड़ी ट्रांसफर होगी। और दूसरी चीज ये है कि कारगिल लेह लद्दाख से जो कस्टमर्स आते हैं क्या उनको जम्मू नंबर गाड़ी देते हैं? गाड़ी देते हैं लेकिन उनके लोकल रेजिडेंट प्रूफ पे, यहाँ पे मतलब अगर वो वहाँ का प्रूफ लेके आएंगे तो उनके नाम बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हो रही है सर गाड़ी। यह कि उनका कोई रिश्तेदार हो या उनकी यहाँ जमीन या मकान वगैरह कुछ होता है तो उस डॉक्यूमेंट पे ट्रांसफर होती है, अदरवाइज उनके नाम पे गाड़ियाँ ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। तो ये भी कुछ एक क्वेरीज थी, तो आई होप आपकी क्वेरीज होगी सॉर्ट आउट होगी होगी। एक चीज उनके लिए दरख्वास्त करूंगा मौजूदा गवर्नमेंट से कि सर हमारे लिए कुछ अच्छा करें। हमारा मोस्टली जो कस्टमर है खाली जम्मू का कस्टमर तो है ही नहीं है, लद्दाख से लेह से कारगिल से कस्टमर स्पेशल आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लेने के लिए। अब जब उनके नाम पे गाड़ियाँ ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही हैं तो सर हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे, इसके लिए अगर कुछ कमेंट कर सकती है तो वो करें। तो ये भी चीज़ है, ये असल में एक प्रॉब्लम है बिकॉज बड़े सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लेह लद्दाख कारगिल से हैं, वो कॉल करके पूछते हैं कि यार हमारे नाम पे गाड़ी होगी। तो ये चीज़ थी, तो मैंने वही चीज़ लाठी सर से क्वेश्चन किया तो उन्होंने आंसर दे दिया हुआ है। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स की तरफ। तो सर फुल मॉडिफाइड गाड़ी लग रही है, क्या डिटेल? अनिकेश्वर 2018 मॉडल दिसंबर मंथ की गाड़ी है, VIP रजिस्ट्रेशन जो है J&K जम्मू नंबर, VIP रजिस्ट्रेशन नंबर इसको लगा हुआ है। गाड़ी डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट क्लियर है। आफ्टर मार्केट इसमें कम से कम 1 से 2 लाख के करीब करीब इसमें एसेसरीज लगी है जो कि सामने विजिबल है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक कर। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें HID जो है लाइट्स लगी हुई हैं सारी। ठीक है, उसके बाद DRL इसमें लाइट्स जो हैं आफ्टर मार्केट इन्होंने लगवाई हुई हैं। बिल्कुल, उसके बाद इसमें 17 इंचीज अलॉय लगे हैं और योकोहामा के टायर इसमें डले हैं ब्रांड न्यू नए। सो अलॉयज का लुक जो है वो आप देख सकते हो, स्टार्टिंग के अलॉयज लगे हैं इसमें और योकोहामा के टायर इसमें ब्रांड न्यू, लो प्रोफाइल में टायर होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। गाड़ी काफी बढ़िया, उसके बाद साइड पैनल का आप देख सकते हैं क्रोमिंग इसमें बेहतरीन हुई हुई है जी। के बाद इसमें जो मिरर के अंदर एडजस्टेबल मिरर्स है वो भी एक्स्ट्रा इसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल, डोर वाइजर इसमें लगे हुए हैं, साइड पैनल डोर की इसकी क्रोमिंग इसकी लगी हुई है। ठीक है, और इसमें जो गार्ड लगे हुए हैं डोर गार्ड्स जो है इसमें वो भी शाइनर डोर गार्ड्स जो किट में इन्वॉल्व होते हैं जो कि पियानो फिनिश में आते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। एक मिनट मैं लाडी भाई को थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैं उन मेरे जो सब्सक्राइबर जो न्यू स्विफ्ट को भी परचेज करना चाहते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि अपनी स्विफ्ट को कैसे मॉडिफाई करें, तो भाई ये चीज़ आप एक छोटा सा रिव्यू भी देख लीजिए जो सर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी स्विफ्ट को मॉडिफाई करवा सकते हो इन फ्यूचर। बाकी बढ़ते हैं लाडी भाई की तरफ, और क्या क्या मॉडिफिकेशन? हाँ, बाकी अनिकेश्वर इसमें आप जैसे कि ये पियानो फिनिश देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें पियानो फिनिश टेल लाइट्स भी आ रही है और ये स्पॉइलर आप देख सकते हैं डिक्की के ऊपर स्पॉइलर भी है, ऊपर स्पॉइलर भी है, ये दोनों ब्लैक में है। ओके। उसके बाद इसमें रूफ जो है वो ब्लैक ग्रिल्ड करवाया गया है, तो काफी स्पोर्टी लुक आ रहा है। और ये जो साइड पैनल्स पे डोर पैनल्स पे इसकी जो लाइटनिंग लगी है ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। बिल्कुल, उसके बाद बैक में क्रोमिंग इसमें लगी हुई है, बैक कैमरा लगा है, सेंसर इसमें कंपनी फिटेड आते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख लीजिए जो एग्जॉस्ट इसमें लगा है फोर एग्जॉस्ट, ये डेकोरेशन के लिए लेकिन बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी में लग रहे हैं। बाकी आप पीछे से रियर से गाड़ी की लुक देख सकते हैं जी, तो बाकी रियर से तो काफी बेहतरीन लुक जो है वो इस गाड़ी की आ रही है, इनहांस होके लुक आ रही है। एंड और क्या है लाडी भाई म्यूजिक? मैं म्यूजिक सिस्टम में तो इसमें आपको मैं रियर से दिखा देता हूँ, पहले रियर से देख लेते हैं। गाड़ी सिर्फ 19,000 चली है, अनटच है अभी तक, स्टेपनी नीचे तक नहीं लगी हुई, 35% नो क्लेम बोनस है गाड़ी में आज तक। भाई साहब बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में और मॉडिफाइड गाड़ी मिल रही है आपको। जो
अनिकेश्वर हम कहते हैं इसमें ओरिजिनल 9D मैटिंग जो है डली हुई है और आफ्टर मार्केट की कंपनी के बाद ये जो आप कलर देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ये ग्रे कलर में इसमें जो वुडन फिनिश लगाई हुई है इन्होंने टोटली चेंज करवाई है पूरी गाड़ी की बिल्कुल। उसके बाद सीट कवर इसमें बकेट वाले फुली बकेट जिसको बोलते हैं वो बकेट वाले सीट कवर इसमें डले हुए हैं ठीक है। और रियर की लाइट्स सीट्स के नीचे भी लाइटनिंग लगी हुई है फ्रंट की सीट्स के नीचे भी लाइटनिंग इसमें लगी हुई है बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रंट में भी आप देख लीजिए जैसे ये कलर है पूरा ग्रे कलर में इन्होंने करवाया हुआ है बिल्कुल ठीक है। ट्विटर्स हाँ इसमें जो कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हुए हैं जिसमें ये ट्विटर साथ में आते हैं फोर और चारों डोर्स में ट्विटर और ये स्पीकर्स लगे हैं जिसको कंपोनेंट बोलते हैं बिल्कुल। उसके बाद इसमें JBL की बास ट्यूब JBL का ही एम्पलीफायर इसमें लगा हुआ है और इनबिल्ट जो है म्यूजिक सिस्टम टच पैनल 10 इंच का इसमें लगवाया गया है बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये फ्रंट में भी आप देख लीजिए इसकी ग्रिलिंग पूरी ग्रे इन्होंने करवाई है जो इसके प्रीवियस ओनर ने ट्रस्ट में बहुत जबरदस्त मतलब तरीके से गाड़ी मॉडिफाई कराई है पैसे खर्चने से परहेज नहीं करा कोई परहेज नहीं किया है। तो अभी जो इस गाड़ी को लेंगे ना ओनर ट्रस्ट में वो भी काफी खुश होने वाले इस गाड़ी को लेके। तो आपको करना क्या है JB कार्स के ओनर का नंबर नीचे मेंशन है लाडी जी का तो आप इनको कॉल कर सकते हो स्विफ्ट के लिए ही नहीं बल्कि और भी मैंने जो गाड़ी बैटरी ये रहेगा आप लोग मुझे कॉल करने से अच्छा ऑफिस में आए यहाँ विजिट करें गाड़ी को खुद वर्बली देखें फिर आप उसके बाद करें। एड्रेस बता दीजिए फिर से। एड्रेस सर मेरा नेशनल हाईवे बाईपास पे सैनी कॉलोनी नेशनल हाईवे बाईपास जमकेश से आधा किलोमीटर आगे मैपल होंडा के अपोजिट जहाँ मलूफो कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ PNB बैंक के साथ वाली बिल्डिंग में। तो ये आपने एड्रेस सुन लिया JB कार्स JB कार्स नाम याद रखिएगा बिल्कुल वो तो रखते ही हैं काफी ज्यादा वीडियो चलती हैं आपकी। और ये और रीज़न मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप बोलते हो वीडियोस लेट आते हैं JB कार्स की तो रीज़न ये है कि भाई इस तरह का स्टॉक इकट्ठा करने में ना थोड़ा टाइम भी लगता है और हाथों हाथ ये स्टॉक निकल भी जाता है क्यों सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी आज की डेट में इनके पास स्टॉक बेहतरीन लगा मेरे को और मैंने इनको बोला कि इस बार स्टॉक आएगा तो उसको डेफिनेटली हम शूट करेंगे तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। और ये थी JB कार्स की साइड से लास्ट गाड़ी एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी ही बिकॉज इस तरह की जब आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी तो डेफिनेटली हर एक सब्सक्राइबर जो होगा वो खुश हो जाएगा। एंड साथ ही साथ हमने कोशिश करी जो आपकी पिछली क्वेरीज थी उनको भी हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। इस गाड़ी की फाइनल प्राइसिंग की तरफ क्या डिमांड रहने वाली है इस गाड़ी की सो लाडी सर क्या डिमांड है इस गाड़ी की। अनिकेश्वर इस गाड़ी की डिमांड में जो कस्टमर यहाँ आएगा इस गाड़ी को देखने उसी के बाद बताऊँगा भाई ये तो जुआ हो गया है। ये जुआ नहीं है मेरे भाई ये जो बंदा गाड़ी देखेगा ना जो कदरदान होगा ना ये वही गाड़ी खरीदेगा। तो भाई ये देख सकते हो प्राइस आपको जो होगा वो JB कार्स के यहाँ ऑफिस में आना पड़ेगा तभी आपको बताएंगे ये। बट अगर आप मेरे को मानते हो मेरे फॉलोअर्स हो सब्सक्राइबर हो आप इस गाड़ी पे जरूर एक बार नजर मारें। गाड़ी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है और जिस तरह की ये मॉडिफाइड है ना गाड़ी काफी बढ़िया और खासकर यंग लोगों को तो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है ये गाड़ी। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मेरे अपने सब्सक्राइबर अपने फॉलोअर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज करनी है या किसी भी तरह किसी भी कार बाजार से तो यार आप एक बार उस कार बाजार में पर्सनली विजिट करें गाड़ियों को देखें उसके बाद नेगोशिएशन करें। बड़े सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो फ़ोन पे ही कार डीलर्स को कॉल करके बोलते हैं कि यार इसका इतना लास्ट प्राइस वो ऐसा ना करें बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद कंडीशन चेक करनी है गाड़ी की। हम तो अपने एंड से पूरा प्रॉपर चेक करते हैं लेकिन एक बार आप भी अपने एंड से इसको चेकआउट करें कि किस कंडीशन में ये गाड़ी है उसके बाद ही नेगोशिएशन की तरफ आप बढ़ें। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत जो बात है ये समझ आ गई होगी। एंड अगर कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में अच्छी लगी है कोई भी गाड़ी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी है तो आप ASR जम्मू ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर फेसबुक पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार पिछली वीडियो की तरह इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 2 लाख व्यूज़ तक ज़रूर पहुँचाएँ। एंड आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं आपसे इसी तरह से किसी न्यू लोकेशन पे किसी न्यू गाड़ी के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग।